नमस्कार दोस्तों, अगेन आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के सॉम सब्जेक्ट, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सिविल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है, या फिर मैकेनिकल में भी यही सब्जेक्ट यूज़ आता है, तो इसमें एक डिफ्लेक्शंस के फॉर्मूले होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस। उनको कैसे याद किया जाए और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से बीम्स होती हैं, कैसे सपोर्ट्स होते हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। इसीलिए आप एंडिंग तक हमारे चैनल को तक बने रहिए इस वीडियो पे, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगले आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। हम आज से प्रिपरेशन करा रहे हैं आरपीएससी में जो एएन की वैकेंसीज निकली हुई है, या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर एसएससी जेई आईएएस एंड यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इंजीनियरिंग लेवल के, या फिर गेट के, तो उससे रिलेटेड हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं इंजीनियरिंग के, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के। तो इसलिए आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बीम, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं कुछ बीम्स के। इसमें कैंटिलीवर बीम दे रखी है जिसमें ए एंड बी सपोर्ट है, जिसमें ए सपोर्ट जो है वो फिक्स्ड एंड सपोर्ट है, एंड बी जो है फ्री सपोर्ट है, यानी कोई भी वहाँ पे सपोर्ट नहीं लग रखा, फ्री हैंग्ड है। तो इस पे अगर हम बी पॉइंट पे अगर कोई फ्री मोमेंट, यानी कि मोमेंट एम लगा देते हैं एट पॉइंट बी पे, तो उसके कारण डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी एंड ए, रोटेशन एट पॉइंट ए एंड बी क्या होंगे। एल कुछ लेंथ है बीम की, एम मोमेंट लगा रखा है एट फ्री एंड पे पॉइंट बी पे। तो इससे अगर मैं बता दूं आपको, सबसे पहले एट पॉइंट ए डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन दोनों ही कैसे होंगे, जीरो, यानी थीटा ए रोटेशन एंड डेल्टा ए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए क्या होंगे, जीरो होंगे। क्यों होंगे ये? इसलिए होंगे क्योंकि आपको पता होगा कि फिक्स्ड एंड पे ना ही तो कोई रोटेशन होता है, ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, अगर कोई रोटेशन नहीं होगा तो कोई भी एंगल नहीं आएगा, यानी थीटा ए एंड डेल्टा ए जीरो होता है। बट थीटा बी एंड डेल्टा बी होता है, जैसे कि आपको इसमें डायग्राम में नज़र आ रहा है, डिफ्लेक्शन शेप नज़र आ रही है इस बीम की, अगर मोमेंट एम लगा दिया जाता है तो। ओके फ्रेंड्स, तो थीटा बी क्या होगा? थीटा बी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है एम एल अपॉन ई आई, एंड डेल्टा बी होता है एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई। इस फॉर्मूले को याद करने का सिंपल सा तरीका है, एम मोमेंट लग रहा है, लेंथ कितनी है बीम की, एल अपॉन ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम। ओके फ्रेंड्स, अगेन मैं बता देता हूँ, थीटा बी में एम है मोमेंट जो अपन ने अप्लाइड किया है, एल है लेंथ बीम की, ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बीम, एंड आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम। तो थीटा बी क्या हो गया? एम एल अपॉन ई आई। इसी तरीके से डेल्टा बी क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई। एल पे टू लग गया और नीचे भी टू आ गया, थीटा बी में ऐसा नहीं था, एम एल अपॉन ई आई, और एम एल एंड डेल्टा बी में एम एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई। सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम बीम देखते हैं, नेक्स्ट बीम हम ले रहे हैं, नेक्स्ट बीम भी कैंटिलीवर है, बट अब क्या लगाया है हमने? फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड लगाया है। क्या लगाया है? पॉइंट लोड लगाया है पी। तो अब इसके कारण जो डिफ्लेक्शन आएगा एट पॉइंट बी, एंड जो रोटेशन आएगा एट पॉइंट बी, क्योंकि आपको पता ही है एंगल ना ही ए पॉइंट पे, ना ही तो रोटेशन होगा, ना ही डिफ्लेक्शन होगा, सिर्फ पॉइंट बी पे आ सकता है। तो जो रोटेशन होगा यानी कि थीटा बी एंगल जो आएगा एट पॉइंट बी, वो आएगा पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, एंड डेल्टा बी आएगा पी एल क्यूब अपॉन थ्री ई आई। पी जो है इसमें पॉइंट लोड है, एल लेंथ ऑफ द बीम, ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बीम, एंड आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम। थीटा बी आ गया इसमें पी एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, डेल्टा बी आ गया पी एल क्यूब अपॉन थ्री। इसमें देखिए टू जहाँ ऊपर है वहीं टू नीचे है, एल में भी क्यूब ऊपर है थ्री नीचे है। ओके फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थर्ड केस लेते हैं हम, इसमें थर्ड केस हम लेंगे, थर्ड भी एक कैंटिलीवर बीम है, बट इस बार पॉइंट लोड हमने कहाँ पर लगाया है? पॉइंट लोड हमने इस बार मिड में लगाया है। कहाँ पर लगाया? मिड में नहीं, कहीं भी, मतलब बीच में लगाया है बीम के, कहीं पर भी बीच में लगाया, जरूरी नहीं है मिड में लगाया हो, कहीं पर भी बीच में लगा दिया, बस एंड पे नहीं लगाया। तो कितने डिस्टेंस पे लगाया है बीच में? मतलब कि फिक्स सपोर्ट से कुछ ए डिस्टेंस की दूरी पर हमने पॉइंट बी लगाया, पी लगाया है, और बी डिस्टेंस की दूरी पर, कहाँ से? फ्री एंड से बी डिस्टेंस की दूरी पर, और पॉइंट ए से हमने ए डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट पी लगाया है। तो यहाँ से अपन को डिफ्लेक्शन चाहिए,
कहाँ कहाँ पर हो सकता है? डेल्टा बी आ सकता है, डेल्टा सी आ सकता है, थीटा बी आ सकता है, थीटा सी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर फ्री है, रोटेशन भी हो सकता है और डिफ्लेक्शन भी आ सकता है एट पॉइंट बी आल्सो एंड एट पॉइंट सी आल्सो। तो क्या आएगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, देखिए इस बीम के अंदर पॉइंट बी पर क्या आ जाएगा, पॉइंट बी पर अगर हम इतने को, हाफ को, जो पॉइंट बी के बाद का जो पोर्शन है बी लेंथ का, उसको अगर नेगलेक्ट कर देते हैं तो पॉइंट बी पर डेल्टा बी निकालना आपको पिछले प्रीवियस में बताई दिया है मैंने, और थीटा बी भी निकाल सकते हैं। थीटा बी आ जाएगा पी एल स्क्वायर अपॉन पी ए स्क्वायर, एल की जगह अब क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, पी ए स्क्वायर अपॉन टू ई आई, और डेल्टा बी आ जाएगा पी ए क्यूब अपॉन थ्री ई आई, जो कि देख लीजिए थीटा बी क्या आ गया, पी ए स्क्वायर अपॉन टू ई आई, थीटा डेल्टा बी क्या आ गया, पी ए क्यूब अपॉन थ्री ई आई। अब इसी तरीके से अगर डेल्टा सी निकालना होता तो किसके इक्वल होता, डेल्टा बी के इक्वल होता, क्योंकि बी से लेकर सी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा है, बी पर ही लोड लग रहा था तो रोटेशन चेंज नहीं होगा, बट डिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है। डिफ्लेक्शन डेल्टा सी जो आएगा वो आता है डेल्टा बी प्लस थीटा बी, यानी कि बी पे जो रोटेशन है, इनटू बी से सी का डिस्टेंस। ओके, तो डेल्टा सी आ जाएगा डेल्टा बी प्लस थीटा बी इनटू लेंथ कितनी है बी से सी की, बी, तो डेल्टा सी आ गया डेल्टा बी प्लस थीटा बी इनटू बी आ गया है अपने पास में। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगर बीम, तो अगेन कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम में अपन ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया, ये फोर्थ बीम है अपनी, इसमें अपन ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया पॉइंट लोड की जगह पे। अब क्या लगा दिया इन्होंने, पूरी बीम पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का लगा दिया है। अगर आपको पता ही है ए पॉइंट पर ना ही तो रोटेशन आएगा ना ही डिफ्लेक्शन आएगा, और कहाँ पर आएंगे ये, डिफ्लेक्शन एंड रोटेशन ओनली पॉइंट बी पर आएंगे। तो रोटेशन कितना होगा, रोटेशन इसमें होता है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई, इसमें याद करने, और इसका जो रोड डिफ्लेक्शन होता है पॉइंट बी वो होता है डब्ल्यू एल के पावर फोर अपॉन ए टी आई, सिंपल सा इसमें याद करने का एक तरीका है। इसमें डब्ल्यू इंटू एल का क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, उसका अगर मल्टीप्लाई टू कर दिया जाए तो नीचे आ जाता है सिक्स ई आई। इसी तरीके से डब्ल्यू एल की पावर फोर आ रहा है, फोर को अगर टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है एट ई आई। आपको याद करने में आसानी रहेगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर कैंटिलीवर पे आ रहा हो तो उसका डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन सिक्स ई आई, डेल्टा बी जो है वो डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन एट ई आई आ जाता है। इसी तरीके से अगर कैंटिलीवर बीम पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये एक ऐसा लोड होता है जो कि एक पॉइंट पे तो ज़्यादा लग रहा होता है दूसरे पॉइंट पे, यानी कि ए पॉइंट कोई भी एक पॉइंट होगा जहाँ पर तो ये क्या लग रहा होगा मैक्सिमम, और किसी दूसरे पॉइंट यानी कि बी पॉइंट पर कैसा लग रहा होगा, ये जीरो लग रहा होगा। तो मैक्सिमम लग रहा है ए पॉइंट पर डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, वेरी करते हुए ये लोड बी पर कितना हो जाता है जीरो कर जाता है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। ये अपनी जो बीम है ये फिफ्थ नंबर की बीम है, इस पर जो एंगल बनेगा ए पे तो आपको पता ही है ना ही तो रोटेशन होगा ना ही डिफ्लेक्शन होगा, बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन भी होगा और रोटेशन भी होगा। तो रोटेशन कितना होगा, यानी कि थीटा बी डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई, और डेल्टा बी आ जाएगा अपने पास में डब्ल्यू एल के पावर 4 अपॉन 30 ई आई, इसको आपको याद करना होगा। डेल्टा बी थीटा बी आ जाएगा अपने पास में, यानी कि रोटेशन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई एंड डेल्टा बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल के पावर 4 अपॉन 30 ई आई। इसी तरीके से हम नेक्स्ट बीम देखते हैं जो कि अब अपने पास में आ गई है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम एक ऐसी बीम होती है जिसके दोनों साइड में अपने पास में सिंपली सपोर्ट होते हैं, यानी कि हिंज सपोर्ट होते हैं दोनों साइड में, जिस पे दोनों साइड पे रोटेशन हो सकता है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ पर सिर्फ रोटेशन हो सकता है। हिंज पॉइंट पे हमेशा आपको मैं बता दूँ, हिंज पॉइंट ये होते हैं, देख लीजिए आप, हिंज पॉइंट ये है, इस हिंज पॉइंट पे सिर्फ रोटेशन हो सकता है बट ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता यहाँ पर, यानी कि इसमें यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ एंगल आएगा ना कि डिफ्लेक्शन, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा सिर्फ एंगल आएगा। तो क्या आएगा, इसमें अपन ने पी पॉइंट लगाया है मिड पॉइंट पर L by 2 डिस्टेंस पर, दोनों सपोर्ट से सेम डिस्टेंस है, तो अपन से पूछा गया है कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए कितना होगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिफ्लेक्शन रोटेशन एट पॉइंट ए कितना होगा, रोटेशन एट पॉइंट बी कितना होगा, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी कितना होगा। सी जो अपने पास में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो मैक्सिमम आएगा इसमें हमेशा, आपको पता ही है, देख लेते हैं। थीटा ए एंड थीटा बी इसमें दोनों इक्वल होगा क्योंकि पॉइंट कहाँ पर लग रहा था, लोड मिड पॉइंट पर लग रहा था, तो कितना आएगा पी एल स्क्वायर अपॉन 16 ई आई एंड डेल्टा मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा सी इज इक्वल टू पी एल क्यूब अपॉन 48 ई आई आता है इसका।
नेक्स्ट बीम हम लेते हैं सिंपली सपोर्टेड, वही बीम है, बस इस बार अपन ने लोड क्या किया है, कहीं पर भी लगा दिया बीच में, जरूरी नहीं है मिड में लगाया, कहीं पर भी ए से बी के बीच में कहीं पर भी लगा दिया। ए से जो डिस्टेंस है पॉइंट सी की वो अपन ने ले ली ए, एंड बी से जो डिस्टेंस वो अपन ने ले लिया पॉइंट सी की डिस्टेंस, लोड की डिस्टेंस बी, यानी ए प्लस बी ले लिया जाए तो कितना आता है, एल आता है। तो इसमें डिफ्लेक्शन और रोटेशन दोनों पॉइंट्स पे अलग होंगे, यानी कि रोटेशन एट पॉइंट ए इज़ नॉट इक्वल टू रोटेशन एट पॉइंट बी, और जो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो सी पर मैक्सिमम नहीं होगा, कोई पॉइंट सी से लेकर के मिड के बीच में मैक्सिमम होता है इसमें। तो थीटा ए देख लेते हैं अपन क्या होगा, थीटा ए का फॉर्मूला होता है, यानी कि रोटेशन एट ए का एंगल का फॉर्मूला होता है पी ए बी इंटू एल प्लस बी अपॉन 6 EI L। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, पी लोड, दोनों जो ए और बी दोनों जो डिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू एल के साथ में उसको ऐड कर दीजिए जिस साइड में आप एंगल नहीं निकाल रहे हैं, जिसका एंगल निकाल रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला, यानी ए का एंगल निकाल रहे हैं तो आप अपोजिट वाला ऐड कर दीजिए, प्लस बी अपॉन 6 EI, तो हमेशा आता ही है, इंटू एल और लगा दीजिए, एल क्या होता है ए प्लस बी पूरी बीम की लेंथ, तो फॉर्मूला क्या बन गया, थीटा ए पी ए बी एल प्लस बी अपॉन 6 EI L। इसी तरीके से एंगल बी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं आप, पी ए बी इंटू एल प्लस ए अपॉन 6 EI L। डेल्टा सी जो होता है वो होता है पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3 EI L, एंड डेल्टा मैक्सिमम होता है वो होता है पी बी इंटू एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पावर 3/2 अपॉन 9√3 EI L। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेल्टा मैक्सिमम, अपना जो क्वेश्चंस जो आस्क होते हैं वो इन तीन से ही रिलेटेड होते हैं, यानी तीन से ही पूछ लिए जाते हैं, थीटा ए क्या होगा, थीटा बी क्या होगा और डेल्टा सी क्या होगा। इसमें बस इतना पूछा जा सकता है आपसे कि जो पोजीशन होगी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वो कहाँ पर होगी, वो अब मैं बता दूँ आपको, पॉइंट सी यानी जहाँ पर लोड लग रहा है और जो मिड पॉइंट है बीम का उनके बीच में होगी, ना ही तो मिड पॉइंट पे होगी ना ही पॉइंट सी पे होगी, इनके कहीं बीच में होगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बीम लेते हैं अपन, एट्थ बीम, ये भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस बार पॉइंट लोड की जगह पे अपन ने क्या लगाया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया पूरे बीम पर। अब अपन से पूछा गया है थीटा ए थीटा बी एंड डेल्टा मैक्सिमम निकाल दीजिए, डेल्टा मैक्सिमम जो होगा वो मिड पॉइंट पे होगा हमेशा, इस केस में थीटा ए और थीटा बी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरी बीम पर। कितना होगा, WL³/24 EI, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल टू WL³/24 EI। वहीं अगर डेल्टा मैक्सिमम यानी कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम निकाला जाए तो वो कितना आता है, 5 WL³/384 EI एट मिड सेक्शन ऑफ द बीम। 5 के बाद में क्या आता है, 4 यानी WL³/4, 4 के पहले क्या आता है, 3, 8 एंड 4। ओके 384 EI, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 5 WL³/4 upon 384 EI। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बीम हम देखते हैं 9th नंबर की, जो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे अपन ने किसी लोड लगाने के बाद अपन सपोर्ट पे अपन ने एम मोमेंट लगा दिया है ए और बी पे, तो अपन अपने पास में जो रोटेशन आएगा वो आएगा थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल टू ML/2 EI। पिछले केस में अगर मैं आपको याद दिला दूं, कैंटिलीवर में अपन ने मोमेंट लगाया था फ्री एंड पे, तो उधर क्या आया था, ML/EI, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड में सपोर्ट है इसलिए ML/2 EI आ गया है। ओके फ्रेंड्स, वहीं उस केस में अपने पास में ML²/2 EI डिफ्लेक्शन आया था, इधर क्या आएगा, ML²/8 EI डिफ्लेक्शन आएगा, 2³, यानी कि 2³ वो क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ML²/8 EI। इसी तरीके से मैंने भी याद कर रखे हैं, आप भी इजीली याद कर सकते हैं इन सबको। थीटा ए, अब अपन ने ए की साइड में अपन ने मोमेंट लगाया, दोनों साइड दोनों सपोर्ट पे ना लगा कर सिर्फ बी सपोर्ट पे अपन ने एक मोमेंट लगा दिया एम, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आएगा, रोटेशन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू ML/6 EI। यहाँ पर रोटेशन कम आएगा, कहाँ पर, थीटा ए पे रोटेशन कम आएगा क्योंकि अपन ने थीटा ए पे कोई मोमेंट नहीं लगा रखा, बट थीटा बी पर मोमेंट लगा रखा है इसलिए वहाँ पर रोटेशन ज़्यादा आएगा, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, तो कितना आएगा, इसका जस्ट दुगना हो जाएगा, तो थीटा ए तो होता ML/6 EI, इसका डबल हो जाएगा थीटा बी ML/3 EI। सिंपल सा आप याद कर सकते हैं, डेल्टा मैक्सिमम होता है अपने पास में ML²/9√3 EI। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगेन सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस बार हमने मोमेंट लगा दिया एम कहीं मिड में, मिड लेंथ पे, यानी बीम के एकदम मिड में हमने कोई एम मोमेंट लगा दिया, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो अपन से पूछा गया थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी होगा, ऑफ कोर्स क्योंकि मिड में लगाया तो इक्वली बीच में है, तो जो रोटेशन भी होगा वो सेम होगा, डिफ्लेक्शन शेप भी मैंने बना रखी है आपको इस बीम की,
कि अगर इस तरीके से अगर मोमेंट लगा दिया जाए तो डिफ्लेक्ट कैसे होगी बीम। थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल टू एम एल अपॉन 24 ई है, एंड डेल्टा सी इज इक्वल टू थीटा सी इज इक्वल टू एम एल अपॉन 12 ई है, क्योंकि पॉइंट जाहिर सी बात है पॉइंट सी पर अगर मोमेंट लग रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा मोमेंट लग ज़्यादा क्या बोलते हैं एंगल रोटेशन होगा, तो वो कितना होगा दूना हो जाएगा ए और बी के कंपैरिजन में, तो कितना हो जाएगा एम एल अपॉन 12 वी आई। एंड डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा सी यानी डिफ्लेक्शन कहीं पर भी जीरो होगा, हर जगह जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है फिक्स्ड फिक्स सपोर्ट नहीं सिंपली सपोर्टेड है, वहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है और मोमेंट कभी भी डिस्प्लेसमेंट करवा नहीं सकता। अगर यहाँ पर अगर आपका सिंपली सपोर्टेड केस में मोमेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा सकता, ओके फ्रेंड्स, कहीं पर भी अगर लगा हो मोमेंट पूरी बीम में तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं करवा सकता किसी भी जगह पे। तो ये अपने बीम्स थे, सारे मैंने डिस्कस कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।